सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। कल के पावन प्रसंग में हमने यह सुना था कि अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का यह पावन चरित्र नदी के तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है और कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं वे इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। अब आगे बाबा तुलसीदास जी महाराज इस रामचरितमानस को जो छह ऋतुएं पाई जाती है उन छहों ऋतुओं के साथ रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों का संबंध बता रहे हैं। क्या कहते हैं? कीरति सरित छहुरी तुरुरी समय सुहावनी पावनी भूरी हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह परमात्मा के कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है और सभी समय पर यह परम सुहानी और अत्यंत पवित्र है। इसमें जो प्रारंभ में शिव पार्वती का विवाह प्रसंग आता है वह हेमंत ऋतु है। देखो, हेमंत ऋतु का मौसम हल्का ठंडा होता है और यह समय स्वास्थ्यप्रद होता है, हमारे शरीर के दोषों को शांत रखता है। शंकर भगवान का जो यह पावन चरित्र है यह हमें दोषों के समन का ही उपदेश देता है, इसीलिए हेमंत ऋतु से इसका संबंध बताया। कैसे? का भगवान शंकर सभी दोषों से युक्त होते हुए भी दोषों को अपना आभूषण बना रखे हैं। जैसे मुर्दे की भस्म को अपने शरीर पर कौन धारण करता है, उसे अपवित्र माना जाता है, मगर भगवान शंकर ने अपने शरीर पर उसका स्पर्श कराया और वह मुर्दे की जो राख थी वह पावन भस्म के रूप में हो गई। भगवान शंकर ने विष को धारण किया, भगवान शंकर ने सर्प और बिच्छू को धारण किया। उनके परिवार की इतनी विषमताएं हैं, भगवान शंकर के गले में सर्प, कार्तिकेय की सवारी मयूर और गणेश की सवारी मूषक, इन सब विषमताओं को होते हुए भी भगवान शंकर बड़े प्रेम के साथ अपने गृहस्थ को चला रहे हैं और एक सद्गृहस्थ का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। दोषों का समन किस प्रकार से हो यह भगवान शंकर हमें बताते हैं और हेमंत ऋतु हमारे सभी प्रकार के दोषों को शांत करती है। अतः भगवान शंकर और पार्वती के विवाह को हेमंत ऋतु की संज्ञा दी गई है। और भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज के जन्म का जो उत्सव है वह सुखदायी शिशिर ऋतु है। अच्छा, हम जानते हैं कि हेमंत और शिशिर दोनों ही सर्द ऋतु हैं, लेकिन हेमंत ऋतु में सर्दी थोड़ी कम होती है और शिशिर में यह सर्दी बड़ी तेज हो जाती है जो ठिठुरन पैदा करती है। देखिए, जो शिशिर ऋतु होती है उसमें दिशाएं उज्जवल हो जाती है, मानो यह वसुंधरा और अंबर एक हो गए हो, क्योंकि कोहरे के कारण आकाश पृथ्वी एक होते हुए नजर आते हैं और वह ओस इस धराधाम का कण कण भीग जाता है, इस प्रकार से धराधाम को घेरे रहती है। इस शिशिर ऋतु में
सारी वनस्पति अपने में अमृत तत्व को सर्वाधिक आकर्षित करती है, और जब परम पिता इस परम धाम पर आते हैं तो उस अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए सारे देवता उनकी सेवा करने के लिए परमात्मा के सानिध्य में आसपास में आकर के एकत्रित हो जाते हैं। जैसे अमृत को पाकर के हम लोग तृप्त होते हैं, उसी प्रकार वे सारे देवगण परमात्मा की निकटता को पाकर के तृप्त होते रहते हैं। इस शिशिर ऋतु में जन जन में रोचकता, सरसता और पूर्णता आ जाती है। इसलिए बाबा जी ने भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज के जन्म को शिशिर ऋतु के रूप में बताया है। आगे कहते हैं, बरनब राम विवाह समाजु सोमुद मंगलमय ऋतु राजु ग्रीष्म दुषह राम बन गवनु पंथ कथा कर आतप पवनु। और श्री रघुनाथ जी महाराज के विवाह का संबंध, विवाह समाज का वर्णन आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। देखो, वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि इस समय में आकाश निर्मल और स्वच्छ रहता है और सूर्य नारायण की जो अग्नि है, जो ताप है, वह भी हमें रुचिकर लगता है। जल अमृत के समान स्वच्छ हो जाता है, पृथ्वी मानो अपने साकार सौंदर्य के रूप में प्रदर्शित होकर के हमें दर्शन देती है। तो यहाँ रघुनाथ जी और जानकी जी के विवाह में साकार सौंदर्य माता जानकी जी है, जो अपने प्रियतम प्रियाजु श्री रघुनाथ जी महाराज को अपने प्रेम रूपी अमृत जल से भक्ति के द्वारा सिंचित कर रही है और माता भवानी के आशीर्वाद से उन्हें प्राप्त करती है। उस धनुष यज्ञ की शाला में जहां कोई भी राजा भगवान शंकर के धनुष को हिला भी न सका, वहां पर रघुकुल भूषण श्री रघुनाथ जी महाराज सूर्य के भांति उदय होकर के उस धनुष को तोड़कर संपूर्ण राजसभा के उस भय और पीड़ा को दूर कर देते हैं। मानो निर्धन जन शिशिर ऋतु की प्रताड़ना से मुक्त हो गए हो, इस प्रकार से राजा जनक को और जनक के परिवार को सुख प्रदान किया। इसीलिए श्री रघुनाथ जी महाराज के विवाह को ऋतुराज वसंत के साथ तुलना की गई है। अब आगे यह प्रसंग बताते हैं कि ग्रीष्म दुषह राम बन गवन, भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज का वन गमन है वो ग्रीष्म ऋतु के समान बताया गया है। आप और हम सभी जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु जो होती है बड़ी असहनीय होती है, क्योंकि उस समय सूर्य का ताप अपनी प्रचंडता की ओर होता है और यह धराधाम उसके ताप से जलने लगता है। उस ताप को लोग सहन नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से श्री रघुनाथ जी महाराज का वन गमन संपूर्ण अयोध्या वासियों के लिए प्रचंड गर्मी है, क्योंकि उनके नेत्र को सुख प्रदान करने वाले, उनके नेत्र को शीतलता प्रदान करने वाले श्री रघुनाथ जी रूपी छाया उन्हें छोड़कर के वन की ओर जा रही है। अथवा ऐसा कहें कि इस काल कर्म में वसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। ग्रीष्म ऋतु के आगमन से वसंत की कोमलता और मादकता समाप्त हो जाती है। गर्मी के कारण सारी सृष्टि तड़पने लगती है। अथवा वन गमन ग्रीष्म ऋतु इसलिए भी है कि श्री रघुनाथ जी महाराज जो अब तक राजकीय ठाट बाट से रहे थे,
उन्हें सामाजिक रूप से व्यवहारिक रूप से परिपक्व करने के लिए और राज्य की नागरिकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए अपने आप को तपाना बाकी था। और प्रभु श्री रघुनाथ जी महाराज इस प्रचंड गर्मी में एक शीतल छांव के रूप में हैं और वे वन में जो रघुनाथ जी महाराज की प्राप्ति के लिए तप करने वाले तपस्वी हैं उन्हें सुख पहुंचाने के लिए वन में स्थित सभी प्राणियों को अपनी छवि दिखला करके शीतलता समानता और समरसता प्रदान करेंगे और साथ में वन की उन प्रतिकूलताओं को भी अनुभव करेंगे। इसीलिए शायद भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज के वन गमन को ग्रीष्म ऋतु बताया गया है। अच्छा, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां भी चलती है जिसे हम लू कहते हैं और धूप बहुत तीखी होती है। तो रघुनाथ जी महाराज जब वन गमन कर रहे हैं तो इसमें मार्ग की जो कथाएं आती है उन्हें बाबा जी ने कड़ी धूप और लू कहा है। आगे कहते हैं, वर्षा घोर निशाचर रारी सुरकुल साली सुमंगलकारी राम राज सुख विनय बड़ाई विशद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ जो घोर युद्ध हुआ था उसे वर्षा ऋतु कहा गया है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। अर्थात राक्षसों से परेशान हुए देवता रूपी धान जो कि कुमला रही थी उन्हें पल्लवित कर दिया, पुष्पित कर दिया अथवा राक्षसों के भय से मुक्त कर दिया। अतः जो राक्षसों के साथ रघुनाथ जी महाराज का घोर युद्ध था उसे वर्षा ऋतु की संज्ञा दी है। राम राज सुख विनय बड़ाई विशद सुखद सोई सरद सुहाई। श्री रघुनाथ जी महाराज के राज्य काल में जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। और आगे क्या कहते हैं, सती शिरोमणि शिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वह इस रामचरित मानस रूपी सरोवर का जल का निर्मल और अनुपम गुण है। और साथ में भरत जी महाराज का जो स्वभाव है इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक समान रहती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत स्वभाव सुशीतलताई सदा एक रस बरनी न जाई। भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो नित्य ही एक समान रहती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे बाबा जी कहते हैं, अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परस परहास बायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुवास। चारों भाइयों का परस्पर आपस में देखना बोलना मिलना एक दूसरे से प्रेम करना हंसना
और सुंदर भ्रातृत्व प्रेम को दिखाना इस जल की मधुरता और सुगंध है। और यह जल कौन सा है? रामचरितमानस रूपी जल है। उसकी मधुरता और सुगंध यही है कि आपस में प्रेम कैसा हो। आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबारी न थोरी अद्भुत सलील सुनत गुणकारी आस पियास मनोमल हारी। मतलब जो जल का हल्कापन होता है वह क्या है कि मेरी आर्तता आर्तभाव, मेरा विनय और मेरी दीनता, इस जल का हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है। देखो जल जो है वो पीने से तृप्त हो जाता है, लेकिन यह जल इसलिए विलक्षण है क्योंकि इसको सुनने से ही यह गुण करता है। क्या गुण करता है? कि यदि हम इस जल को सुनते हैं तो हमारे आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। कैसे करता है? राम सुप्रेम ही पोषत पानी हरत सकल कली कलुष गलानी भव श्रम शोषक तोषक तोसा समन दुरित दुख दारिद दोसा। यह जल अर्थात राम जी के चरित्र का गुणगान रूपी यह रामचरितमानस जल श्री रघुनाथ जी महाराज के सुंदर प्रेम को पुष्ट करने वाला है, बढ़ाने वाला है, रघुनाथ जी महाराज के करीब ले जाने वाला है और कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है। संसार के जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो हमारी यात्रा है, उस यात्रा में जो हमें श्रम होता है उस श्रम को सोख लेता है और संतोष को भी संतुष्ट करता है तथा पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। और क्या करता है? कि काम कोह मद मोह नशावन विमल विवेक विराग बढ़ावन सादर मजन पान किए ते मिटही पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला है और निर्मल ज्ञान तथा वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इस रामचरितमानस रूपी जल में आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से कैसे? इसको अपने कानों के द्वारा श्रवण करके पीने से हृदय में रहने वाले सारे पाप और संताप मिट जाते हैं। जिन एही बारी न मानस दोए ते कायर कली काल बिगोए त्रशित निरखी रवि कर भव बारी फिरी हही मृग जीमी जीव दुखारी। जिन्होंने इस रघुनाथ जी महाराज के सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया है वे कायर इस कली काल के द्वारा ठगे गए हैं। कैसे ठगे गए हैं? कि जैसे एक प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर गिरने से उत्पन्न हुए जल के ब्रह्म, जिसमें जिसको हम मृग मरीचिका कहते हैं, वहाँ जल तो होता नहीं लेकिन जल की तरह दिखाई देता है,
जल के ब्रह्म को वास्तविक जल समझ करके उसको पीने के लिए दौड़ता है और जल को न पा करके दुखी होता है, वैसे ही हम सभी कलयुग से ठगे हुए हैं और विषयों के पीछे पड़े हैं, दौड़ते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। मति अनुहारी सुबारी गुण गन गनि मन अनहवाई, सुमिरी भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान करवा कर माँ भवानी और शंकर को याद करके कवि तुलसीदास इस सुंदर कथा को कहता है। अब रघुपति पद पंकरुह हिय धरि पाई प्रसाद, कहु जुगल मुनि बर्य कर मिलन सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी महाराज के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पा करके दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आज एकादशी का व्रत है, सभी को इस व्रत को करना चाहिए क्योंकि व्रतों में एकादशी साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं होता है। और आगामी एकादशी जो रहेगी निर्जला एकादशी रहेगी, उसका भी व्रत करने का सबको प्रयास करना चाहिए। एकादशी की कथा YouTube पर डाल दी जाएगी, जो भी सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं।